धान का सूखा हुआ घास लाके हम लोगों ने ये हमारे बेड पर बिछा दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मेरे वाइफ घर लिपाई कर रही है और मैं हमारा बाथरूम को बनाने वाला है, क्योंकि बहुत ख़राब हो गया है हमारा बाथरूम। और क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में घर लिपाई नहीं किया था तो घर बहुत ख़राब दिखाई दे रहा था, इसलिए आज लिपाई कर रही है। अंदर में लिपाई नहीं किया है और किचन जो है ना वो लिपाई कर चुकी है। और उसके बाद में वो ये वाला घर, छोटा वाला, ये भी बहुत गंदा दिखाई दे रहा है, देखो। तो ये अभी हो जाने के बाद वहाँ पे लिपाई करेगी और मैं अभी चलता हूँ बाथरूम बनाने के लिए। मैंने दो बम्बू काट के रख लिया है, अभी वो बम्बू को छोटा छोटा पीस करके लेके आएगा, अभी ये लेके जाएगा और इसके साथ में ये। ये लेके जाके वहाँ पे बम्बू काट के आया हुआ है मैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा ख़राब हो गया है हमारा बाथरूम, ऐसा दिखाई देता है। ये जो है ना बम्बू नीचे वाला बहुत नरम हो गया है तो इसलिए पूरा बम्बू टूट जाता है। अभी जाके नया बम्बू काट लिया है, वो लेके आएगा, लेके आने के बाद बनाएगा। सिर्फ नीचे में बम्बू देगा, ऊपर का जो है ना साइड का जो वाल है ना वो अच्छा है, बस नीचे का बम्बू ख़राब है। क्योंकि जो नीचे का बम्बू है ना उसमें ज़्यादा पानी लगता रहता है नहाने का टाइम, तो इसलिए नीचे का बम्बू जल्दी ख़राब हो जाता है। यहाँ पे एक बम्बू काट लिया है और वहाँ पे एक बम्बू काट के रखा हुआ है। अभी मैं बम्बू काट के ला चुका है, ला के यहाँ पे रख दिया है। अभी जो है ना ये खोलना पड़ेगा साइड का, तो मैं इसका नाम वाल बोल रहा है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा इसका नाम क्या है। तो ये जो साइड का है ना, ये हम लोग बेरा बोलता है, तो ये खोलना पड़ेगा पहले। ये खुल के फिर ये साइड करके वो वाला डाल देगा। तो अभी मैं वो जो लकड़ी काटता है ना वो वाला लेके आएगा बम्बू को। हे, अभी वहाँ पे लिपाई करके, अभी यहाँ पे लिपाई कर रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ लेने के लिए आ रहा है। ये लेके जाएगा, पहले ये लेके जाके आधा आधा करना पड़ेगा। हाँ नहीं चाहिए भाई, हो जाएगा। अभी बम्बू को सेंटर से हाफ हाफ कर लेता है, यहाँ पे से सेंटर सेंटर से मैं हाफ हाफ कर लेगा इसका, जैसा ये ऐसा हाफ हाफ कर लेगा। करने के बाद इसमें लगाएगा, तो अभी इसको हाफ हाफ कर लेता हूँ। ये देखो ऐसा बना दिया है, अभी हो गया। उस साइड का जो थोड़ा सा ना वो रख लिया, क्योंकि ये इतना ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा सा अच्छा है इसलिए रख लिया। और जो साइड का वाल है ना ये भी ऐसा ही रखा हुआ है, तो इसको भी चेंज करना चाहिए था, लेकिन इस साल चेंज नहीं करेगा, नेक्स्ट ईयर चेंज करेगा, क्योंकि इस साल जो है ना इतना टाइम नहीं है। सुअर का घर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस साल से हम लोग सुअर भी पालने वाला है, और उसके साथ साथ में मुर्गी का घर भी नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना है ना वो पूरा ख़राब हो चुका है। वह भी दिखाता है, ख़राब हो चुका है मतलब, क्योंकि हम लोग ये जो है ना किचन चेंज करने वाला है, तो इसलिए चेंज करने के टाइम ये सब खोलेगा, तो इसलिए ये जो मुर्गी का घर है ना वो दूसरा जगह में हम लोग बनाएगा, क्योंकि ये किचन जो है ना नया बनाने वाला है। ये किचन नया बनाने से बहुत खूबसूरत दिखेगा, इसलिए मुर्गी का घर भी अलग से बनाना पड़ेगा और ये जो किचन है ना वो भी बनाना पड़ेगा। उसकी वजह से इस साल जो है ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा, और दूसरा काम भी बहुत है नेक्स्ट ईयर बाथरूम का, जिसको मैं वाल बोलता है वो चेंज करेगा, इस साल तो ऐसा ही रहने देगा। अभी हम लोग धान का सूखा हुआ घास लेने के लिए आया हुआ है। हमारे घर के नीचे में भी था लेकिन अभी पूरा ख़राब कर दिया है,
मुर्गियों ने, तो इसलिए यहाँ पे से हम लोग सूखा हुआ धान का घास लेने के लिए आया हुआ है। तो क्यों हम लोग ये लेके जा रहा है बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो को देखना एंड तक। मेरे वाइफ को पता है, वो कुछ सोच के लेके लेने के लिए आया हुआ है। वहाँ पे है हमारे घर, ये देखो हमारे घर। तो सब जगह में जला दिया है, बस इस जगह में बाकी है और वहाँ पे भी है, अभी दो जगह में बाकी है, सब जगह में जला दिया है। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है और बस आप लोगों को समझ आना चाहिए, यही बात है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आता है तो बस हो गया, अच्छा हो या ना हो। अभी मेरी वाइफ बोरी में भर रही है, भर के घर पे लेके जाएगा। धान का सूखा हुआ घास लाके हम लोगों ने ये हमारे बेड पर बिछा दिया है, तो उसके बाद में ऊपर में ये डालने वाली है, मेरा वाइफ डाल रही है, उसको मदद करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ठंडा है, ठंडा की वजह से। मेरे वाइफ कब से बोल रही थी कि आज ये जो धान का सूखा हुआ घास है ना वो डालेगा, वो डालने से ठंडा जो है ना बहुत कम होता है बोल के। ऊपर में तिल पर बिछा के अभी बना रही है, ये देखो ऐसा, ठीक से नहीं बनाने से गिर जाएगा, इसलिए अभी अच्छा से बना रही है। वाह भाई वाह, जम गया ना मेरा दिमाग। अच्छा हाँ, ये देखो अभी बनाने के बाद ऊपर में ये वाला डाल दिया, अभी बेडशीट डाल रही है। ज्यादा हंसो मत, ये देखो ओ वहाँ पे निकल रहा है, ये देखो डाल दो अच्छे से। अभी ठंडा जो है ना थोड़ा कम होगा, लेकिन रात को सोते समय ये जो है ना बहुत आवाज करेगा। हो गया, अभी ऊपर में वो डाल दिया बेचित डाल रहा अभी। अभी शाम हो गया है तो ये जो थोड़ा सा गंदा दिखाई दे रहा है। आ स्नोबी, कौन आया हुआ है स्नोबी? तो ये थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी ये जमा करके जलाएगा, और वहाँ पर भी थोड़ा सा है तो सब जगह में जमा करके जलाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, बस ये थोड़ा सा ही है और वहाँ पर थोड़ा सा है, तो सब अभी एक जगह में यहाँ का जो है ना वो यहाँ पर ही जमा करके जलाएगा, और वहाँ का वहाँ पर जमा करके जला देगा। ये देखो वहाँ पर भी जला दिया है आग, और जो यहाँ का था ना वो उठा के वहाँ पर फेंक दिया है। अभी थोड़ा साफ सफाई दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो राजा हंस है ना देखो पूरा गंदा कर देता है, वो लोग सुबह सुबह भी गंदा करता है और अभी शाम को भी यहाँ वहाँ घूम के लेट्रिन कर देता है। हुश। और अभी मेरे वाइफ जो है ना पराठा बनाने के लिए प्याज काट रही है। आज खाना नहीं बनाएगा बोला, आज मतलब खाना नहीं चावल नहीं बनाएगा बोला, पराठा बनाएगा बोल के खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आज पराठा बनाएगा, टमाटू केचप के साथ खाएगा बोल के, टमाटू केचप के साथ। और अभी मैं भी नहा लेता हूँ, नहाया नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सबको बाय बाय।